राष्ट्र स्तर वाहन संबंधित फर्जी कागजात बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। चंदौली खबर है यूपी के चंदौली जिले से, जहां चंदौली पुलिस ने फर्जी डीएल व कागजात बनाने वाले गिरोह को पर्दाफाश किया। मामले में पुलिस में 3 अभियुक्तों को डीएल आरसी पेपर, वाहन की परमिट पेपर, बीमा पेपर सहित कई दस्तावेज बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस अभियुक्त पर विभिन्न धाराओं में कार्रवाई करने में जुटी हुई है। चंदौली से रविशंकर मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट। सैयद राजा पुलिस द्वारा और स्वाट टीम प्रभारी अभय सिंह द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक फर्जी गिरोह जो फर्जी डीएल, फर्जी आधार कार्ड, फर्जी मोटर परिवहन के कागजात बनाता है। इस सूचना पर टीमों ने जो है घेराबंदी की और जब पकड़ा गया तो राष्ट्रीय स्तर के फर्जी गिरोह का पर्दाफाश हुआ, जिनके पास से विभिन्न राज्यों के पदाधिकारियों की 105 मुहरें, विभिन्न स्टिकर 100 की संख्या में लगभग बरामद हुआ है, 160 जो है सादा डीएल बरामद हुआ है, झारखंड सरकार का टैक्स टोकन 100 की संख्या में बरामद हुआ है और एमबी मनी रसीद 20 की संख्या में बरामद हुई है, 18 अदद कर्नाटक सरकार की चेक रिपोर्ट भी बरामद हुई है, 2 अदद प्रिंटर बरामद हुए हैं, 2 लैपटॉप बरामद हुए हैं, 2 आधार कार्ड बरामद हुए हैं, 4 फर्जी डीएल की बरामदी की गई है। अभियुक्तों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है थाना सैयद राजा में और इनके 2 अभियुक्त, 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। 2 अभियुक्त जो इनके दोस्त थे वो भाग लिए, उनकी तलाश जारी है, उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी कर ली जाएगी और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये गिरोह फर्जी तरीके से डीएल, प्रिंटर, परिवहन के कागजात और आधार कार्ड आदि बनाता था, जो राष्ट्रीय स्तर का है। विभिन्न राज्यों, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार, झारखंड से इनका ताल्लुकात था और वहाँ के फर्जी कागजात पर ये कार्रवाई करते थे, जिनकी आज गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से भारी संख्या में फर्जी कागजात बरामद किए गए। क्या उपयोग करते थे इसको यहाँ बनाने में, क्या जरूरत थी? लोगों को धोखे से धोखा देके कूटरचित दस्तावेज बनाते थे और कम पैसे में लोगों को डीएल